गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बीजगणितीय व्यंजन बताने जा रहा हूँ। देखिए, आप लोग क्लास सिक्स में हैं, इसलिए आप लोगों के लिए बीजगणित वाला मामला बिल्कुल नया है। तो बीजगणित सुनिए क्या होती है। बीजगणित में क्या होता है, अंक यानी गणितीय अंक और एलजेब्रिक यानी एबीसीडी वाले अंकों के योग से बीजगणित बनी है। मतलब इसमें एक से लेकर सौ तक की संख्याएं भी हो सकती है और ए से लेकर जेड तक के अक्षर भी हो सकते हैं। तो इसको अलग अलग समझाने के लिए इनको बांटा गया है। किस किस पार्टों में बांटा गया है, पहला चर और दूसरा अचर, यानी एक चर संख्या है दूसरी अचर संख्या है। तो अब मैं देखिए आपको बताने जा रहा हूं कि चर संख्या क्या होती है। याद रखिए, चर संख्या ठीक वह संख्या जिनका मान प्रत्येक स्थिति में समान रहता है। चार संख्याएं क्या है, ठीक है, जैसे वन टू थ्री फोर कटकर करते डॉट 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 तक जहां तक संख्या जा सके, ठीक। अचर संख्याएं क्या होती है, वह संख्या जिसका मान या जिनका मान स्थिति के अनुसार परिवर्तित हो जाए। अचर संख्या क्या है, अब देखिए अचर संख्या क्या क्या होती है, एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सारी कैसी संख्या है, अचर संख्या। इनका मान स्थिति के अनुसार कैसे बदलता है, x बराबर कभी एक आ जाएगा तो कभी x बराबर दो आ जाएगा तो कभी x बराबर पांच आ जाएगा। वैसे ही ए बी सी डी में भी है, कभी आपको a बराबर पांच मिलेगा कभी a बराबर छह मिलेगा। तो इस हिसाब से चर और अचर संख्याओं में अंतर यही होता है कि ये हमेशा संख्या नियत रहती है, इसका मान कभी बदलता नहीं है और अचर संख्याओं का मान स्थिति के अनुसार परिवर्तित होता जाता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, अब मैं आपको बीजगणितीय व्यंजकों को जोड़ना घटाना भाग देना तथा गुणा करना समझा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए आप लोग कि बीजगणितीय व्यंजक में संख्याओं का जोड़ना कैसे होता है, संख्याओं का जोड़ना। ध्यान दीजिए, इस पे अगर हमको एक चर संख्या लेनी है, मान लो मैंने ले ली दो, एक अचर संख्या लेनी है मैंने ले ली वाई, और इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने क्या लगा दिया, प्लस संख्या, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए ये संख्याएं आपस में जुड़ती नहीं, ये संख्याएं इसी तरीके से आपस में लिखी रहती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने बताया था इनका मान तो कैसा होता है, नियत, पर इनका मान
नियत नहीं होता, ये स्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, इसीलिए इन लोगों को इसी फॉर्म में लिखा जाता है। मतलब इसको गलती से भी आप लोग कभी ऐसे मत लिख दीजिएगा कि जुड़ गई, ये संख्या जुड़ी नहीं, ये संख्या का आपस में क्या हुआ है गुणा। 2y अगर बगल बगल में लिखे हैं कोई निशान नहीं है, इसका मतलब इन दोनों का आपस में गुणा हुआ है, संख्या जुड़ी नहीं है। इसीलिए ये संख्याएं हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, 3 + x तो ऐसे ही लिख दी जाती है, 4 + a तो ऐसे ही लिख दी जाती है। और अगर कभी इन स्थितियों में इन लोगों को जोड़ना पड़े, जैसे मान लीजिए इस संख्या और इस संख्या, इन तीनों को अगर आपस में जोड़ना पड़े तो हम लोग इस तरीके से जोड़ते हैं, 2 + y फिर प्लस का साइन, 3 + x फिर प्लस का साइन, 4 + a। देखिए चूंकि ये और ये सभी चर संख्या है, इनका मान नियत होता है, बदलता नहीं, तो जो बदलता नहीं है वो आपस में जुड़ जाता है, 3 + 2 = 5, 5 + 4 = 9, तो ये तो आपस में जुड़ गया। अब y, x, a ये सारी अचर संख्याएं हैं, इनका मान स्थिति के हिसाब से बदलता रहता है, तो जो चीज बदलती रहती है वो कभी जुड़ नहीं सकती, इसीलिए उनको हम लोग y प्लस x प्लस a के फॉर्म में ही लिख के छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संख्याओं का जोड़। अब देखिए, अब संख्याओं का घटाना, इस पे भी अगर चर अचर संख्याओं को घटाना हो तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल चाहे तो यही ले लेता हूं जिससे आप लोगों को समझने में इजी हो, 2 - 1 और दूसरी संख्या मैंने ले ली 3 - x, तीसरी संख्या ले ली मैंने 4 - a। ठीक है, आप देखिए इसमें भी क्या होगा, इनको आप घटा मत दीजिएगा क्योंकि घटेंगी नहीं, ये चर संख्या है, इनका मान कभी बदलता नहीं, ये अचर संख्या है, ये परिवर्तित होती रहती है, तो घट तो आपस में सकती नहीं, ना ये जुड़ सकती है ना ये घट सकती है। पर फिर भी अगर इन संख्याओं को आपस में हमको घटाना पड़े तो हमेशा इसके लिए हम लोगों को ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। कैसे, गौर करिएगा जरा, 2 - y कोष्टक में लिखा, ये माइनस का साइन लगाया, 3 - x फिर कोष्टक बन गया, फिर अगली संख्या को माइनस लगा के कोष्टक में लिखा। जब कभी भी माइनस संख्या होती है तो हमेशा कोष्टक में लिखी जाती है, यानी ब्रैकेट में लिखी जाती है। आप देखिए इसको ओपन करिए तो 2 - y तो ऐसे ही आ गए क्योंकि इसके आगे कोई निशान नहीं था, तो ये संख्या तो ऐसे ही उतर आई। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस का मल्टीप्लाई -3 के साथ होगा माइनस का 3, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के x के साथ होगा तो प्लस का x, वही काम हमारा इसके साथ, माइनस का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा तो माइनस का 4, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के 1 के साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का मेरा क्या आ गया। अब देखिए, अब जब इस तरीके से संख्या मिल गई है तब इसमें फिर वही तरीका, 2 चर संख्या, 3 चर संख्या, 4 ये भी चर संख्या, ये सब संख्याओं का आपस में जोड़ना और घटाना संभव है। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, दो में से पहले याद रखिएगा, इसको घटाने के लिए आप लोगों को समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, यानी पहले -3 और -4 को आपस में जोड़ लीजिए तो क्या आएगा आपका, माइनस का -3 - 4 बराबर माइनस का 7, क्योंकि समान चिन्ह जुड़ जाते हैं। और निशान मैंने माइनस का क्यों लगाया, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी थी। अब इसके बगल में लिखा हुआ है प्लस का 2, इन दो संख्याओं को हमने सॉल्व कर लिया, अब प्लस का 2 बचा है, तो प्लस का 2 जब इस पे लिखेंगे तो अब देखिए चिन्ह विपरीत हो जा रहा है, ये माइनस ये प्लस, इसका मतलब ये घट जाएंगे और क्या आएगा 5 हो गए, निशान किसका लगेगा माइनस, क्योंकि निशान हमेशा बढ़ेगा, तो यहां संख्या क्या आ गई हमारी माइनस की 5। और बाकी जो अचर संख्याएं हैं, ना जुड़ सकती है ना घट सकती है, वो ऐसे ही
लिख दी है। तो ये आपका पूरा पूरा सॉल्यूशन आ गया, घटाना और जोड़ना मैंने आपको समझा दिया। अब भाग और गुणा बचा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। अब देखिए स्टूडेंट, मैं आपको गुणा और भाग यानी संख्याओं का गुणा और भाग बताने जा रहा हूं। देखिए संख्याओं का गुणा, देखिए चर अचर संख्याओं के आपस में जोड़ और घटाना तो नहीं होता, पर गुणा और भाग हो जाता है। जैसे 2 into 8, 3 into y, 4 into x, देखिए इनको जब आप गुणा करेंगे 2a आ गया, इनका जब आपस में गुणा करेंगे 3y आ गया, और इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो 4x। देखिए इन संख्याओं का आपस में गुणा हो जाता है, पर अगर जोड़ना चाहेंगे तो फिर संख्याएं आपस में नहीं जुड़ेंगी। क्या आएंगे? 2a + 3y + 4x, फिर संख्याएं आपस में नहीं जुड़ेंगी। और ये जुड़ेंगी कैसे, ये मैं आपको आगे जब एक्सरसाइज कराऊंगा तो भी मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से जुड़ेंगी। तो अभी आपने संख्याओं का गुणा जान लिया, किस तरीके से गुणा होता है। अब संख्याओं का भाग, इनमें संख्याओं का भाग अगर दिया जाए, देखिए कैसे होता है। 2 भाग का a में दिया, 3 का y, 4 डिवाइडेड बाय x, देखिए 2 डिवाइडेड बाय a, 3 का भाग उसमें, एंड 4 डिवाइडेड बाय x। अब इसमें वही तरीका कि डिवाइड को सबसे पहले मल्टीप्लाई में चेंज कर दिए, मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए डिजिट को पलट दीजिए। देखिए 1/a आ गई, डिजिट मैंने पलट दी, मल्टीप्लाई में आ गई। दूसरी को देखिए, ये मैंने दूसरी संख्या भी पलट दी, दूसरी संख्या भी गुणे में आ गई, और इसी हिसाब से तीसरी संख्या को भी मैंने पलट दिया, तीसरी संख्या भी गुणे में आ गई। 2 का 1 में गुणा किया तो क्या आ गया, 2/a। देखिए भाग देने पे संख्या हमारी क्या आई, 2/a, इधर भाग देने में संख्या क्या आई, 3/5, और यहां भाग देने में संख्या क्या आई, 4/x। ठीक है, तो ये आपके जोड़ने घटाने गुणा और भाग के प्रोसेस थे। हाँ, भाग में थोड़ी सी चीज और एक देख लीजिए, कि ये मत सोचिए कि इस संख्या के बटे में कुछ नहीं है, इस संख्या के बटे में 1 है, इसके बटे में भी 1 है, और इसके बटे में भी 1 है, क्योंकि हम लोग हर में 1 मान सकते हैं। हर माने डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 1 हमेशा कंसीडर कर सकते हैं। तो ऊपर ऊपर का गुणा हुआ तो 2 आया, और a का जब 1 में गुणा हुआ तो a बन जा a आया। वही काम 3 का जब 1 में मल्टीप्लाई हुआ 3 बन जा 3 आया, और y का जब मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो y बन जा y आया। 4 का जब 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 4 बन जा 4, और x का जब मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो x बन जा x। तो 2/a, 3/y एंड 4/x। तो इस हिसाब से आप लोगों को आज संख्याओं का जोड़ना घटाना गुणा भाग बीजगणितीय व्यंजक चैप्टर में बताया गया है। आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, जिससे आप लोगों को आगे एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।